Good morning, students. Today I will teach to you a surface area of a volume of exercise 13.1 of question number 5. In this question, given that a cubical box has each edge 10 cm and another cuboidal box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm high. Okay. First question is that which box has a greater lateral surface area and by how much? तो ये जो है ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, जिसकी साइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है इसका लेंथ जो है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, एंड व्हिच हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो यू नो दैट कि लेटरल सरफेस एरिया क्या मतलब होता है, केवल एरिया ऑफ वॉल होता है। ओके अब हमको टॉप और बॉटम से कोई मतलब नहीं होता है, केवल क्या होता है एरिया ऑफ वॉल होता है। दैट मींस तो हम इन दोनों फिगर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कि कौन ग्रेटर है और फिर उसको माइनस करके हाउ मच फाइंड कर लेंगे। ओके तो फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, नाउ सॉल्यूशन lateral surface area of a cube equals to 6 8 total surface area होता है, लेकिन अगर आप केवल ये लेंगे तो 4 8 स्क्वायर हो गया और a की वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये 10 का स्क्वायर, तो that is 4 into 100, that is 400 सेंटीमीटर। ओके नाउ सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वो क्या हुआ 2lb + bh, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब आपको क्या करना होगा, l प्लस बी ट्वाइस l प्लस बी एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ट्वाइस एल इज व्हाट गिवन 12.5 प्लस बी इज व्हाट गिवन 10 एंड हाइट इज व्हाट 8, ये हो जाएगा 2 into 22.5 into 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 4 that is 45 into 8 8 5 40 40 or 360। ओके तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये जो है आपका लेटरल सरफेस एरिया हुआ और आपसे ये अब ये आपको दिख रहा होगा कि किसका जा रहा है, ये 360 है और क्यूब का कितना है 400, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन, ओके लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके और बाय हाउ मच, तो लेटरल सरफेस एरिया By how much, तो कितना फाइंड करेंगे, lateral surface area is more than equals to 4 than equals to what is area of cuboid, lateral surface area of cube minus lateral surface area of क्यों। ओके
तो ये इसमें आपका प्लेट ट्यूब का कितना है 400 माइनस 360 व्हाट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है मोर है। ओके तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, टोटल सरफेस व्हिच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। ओके इसमें क्या पूछ रहा है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉल है। तो हम पहले दोनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और फिर जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि किसका ज्यादा है। ओके तो नाउ फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब ये फार्मूला 6 से स्क्वायर होता है तो 6 a की वैल्यू 10 स्क्वायर व्हाट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड उसको क्या हो जाएगा ट्वाइस lb प्लस bh प्लस h इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा आपका 2 L 12.5 b 10 h 8 8 into 12.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 125 80 और 100। ओके तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 into 255 10 ठीक है 8 और 2 10 हो जाएगा 10 1 2 3 305 मतलब 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इसका वैल्यू कितना हुआ 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम है तो टोटल सरफेस एरिया लेस देन क्यूब का क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लेस देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वॉल। ओके और बाय हाउ मच तो टोटल सरफेस एरिया इज लेस देन टोटल सरफेस एरिया इज लेस देन वस्तु क्या हो गई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसको जो है आप माइनस करेंगे आ रहा है इसमें यस तो ये इस तरह से 610 माइनस 600 ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जा रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम कौन स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या हो जा रहा है जबकि लेटरल सरफेस एरिया इसका ज्यादा था ठीक है और कितना कम है तो वो 10 सेंटीमीटर जब दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली द ग्लास पैन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद अ टेप। ये इसके किनारे किनारे जो है ये क्या किया गया है इसमें टेप लगा दिया गया है ये पूरा इसके जहां पर ये एजेस जुड़ रहे हैं। ओके इट इज अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ 30 सेंटीमीटर वाइड 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ग्लास। तो एरिया ऑफ द ग्लास जो होगा वो कितना ग्लास होगा एरिया का ये कैसे पता चलेगा हाउ कैन यू फाइंड इट। ओके तो इसमें
उतना ही एरिया होगा जितना कि टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ग्लास पूरे सरफेस में लगा है, चाहे वो टॉप हो चाहे बॉटम हो चाहे ऑल लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ फोर वॉल हो। तो हमें फर्स्ट एरिया ऑफ ग्लास टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर एट क्या होता है? ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्लास फर्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ ग्लास टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेटेड टू दैट इज 30 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30। ओके, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नाउ टू 35 × 25 = 70 हो गया, 625 + 750। ओके, अब इसको आप ऐड करोगे आप 2 × ये क्या हो जाएगा 5 2। ठीक है, और कितना हुआ ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा आपका 21 × 25। ठीक है, 21 × 25, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है मैरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 और 1 × 5 = 2, 2 × 4 तो 4250 जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया आपका ग्लास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 वेज होती है, तो ये सभी जितना भी सभी एज पेयर इसका 12 वेज का है उन सभी 12 वेज के लेंथ के बराबर होगा, तो इसके लिए टेप नीडेड फॉर 12 वेज एजेस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा ये 4l + b + एच कर देंगे तो नाउ 4l की वैल्यू 20 30 + 25 + 25 ये क्या हो जाएगा 4 और ये 50 + 30 ये हो जाएगा 80। ओके, तो ये 8 × 4 = 30 इतना सही, या इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं 3.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस हो रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर अ पैकिंग देयर स्पेस, टू साइज ऑफ बॉक्सेस वेयर रिक्वायर्ड, बिगर डायमेंशन इज गिवन दिस and smaller dimension is this, for all overlap 5% of the total surface area is required extra, if ye 5% jo hai overlap jo kya hoga extra required hogi, matlab jitna bhi ek box ko banane mein lag raha hai total surface area ke hisab se उसको बनाने में 5% टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 5 rupees 1000 cm², ये 4 rupees 1000 cm² का 4 rupees कॉस्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लायर 250 boxes for each,
ऑफ ईच काइंड, 250 बड़ा वाला बिगर और 250 स्मॉलर का, स्मॉलर साइज। ठीक है, तो डायमेंशन ओके ऑफ बिगर बॉक्सेस तो ए का क्या हुआ, लेंथ इज व्हाट गिवन, लेंथ 25, ब्रेथ 20, हाइट 5। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर, बी फॉर बिगर ओके। तो ये ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो नाउ पुट एयर वैल्यू, ट्वाइस L 25 20 20 into 50 50 into 25 okay, so now this is 250 500 okay 1000 or ठीक है ओके। अब इन दोनों को आप ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये बड़े सब 50 क्रोर से आ गया, अच्छा 50 सेंटीमीटर गिवन है ना, सॉरी 5 सेंटीमीटर से नॉट 50 ओके। तो ये 5 नहीं 5 दैट इज 100 और ये 1 ओके। तो नाउ 500 प्लस 100 प्लस 125 तो ये आपका 2 600 725 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 2 4 और 1 5 2 7 14 1450 जो है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5% जो है एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आपको हो रही है, तो एक्स्ट्रा एरिया उस टोटल सरफेस एरिया का फाइंड कर लेते हैं और जो है उसको निकाल करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एरिया, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड ठीक है, तो वो कितना है 5% ऑफ इस टोटल सरफेस एरिया का, तो 40 50 ओके 40 50 ओके। तो नाउ 5% 100 40 50 तो ये 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कैलकुलेशन जो आएगा वो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा के साथ जो है एक कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो ऐड करने पर जो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ विद एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड इक्वल्स टू व्हाट इज 1450 प्लस 72.5 8.5 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है अब ये इतना कार्ड आपको एक बिगर बॉक्स को बनाने में लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड आप फाइंड कर लेंगे कि कितना कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड बन रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको चार कॉस्ट ऑफ वन बिगर बॉक्स तो ये कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 4, तो ये 4 upon 1000 into 1522.5 ठीक है, इतना रुपीस होगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका 6.09 रुपीस आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, ये 6.09 रुपीस एक बॉक्स। तो इस तरह से हमें केवल एक बॉक्स का नहीं चाहिए, कितना चाहिए हमें 250 बॉक्सेस का चाहिए। तो इतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 250 बॉक्सेस की ये वैल्यू मिल जाएगी कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग ऑफ 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा 9 into 50 into 6.09 equals to ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी इसकी 1522.50 रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, हम जो है सिमिलरली इसी तरह से स्मॉल बॉक्सेस के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये बिगर की जगह पे आप क्या करेंगे, स्मॉल बॉक्सेस के लिए वर्क करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फॉर दिस जो है स्मॉलर बॉक्स लेंथ इज ब्रेथ हाइट इज गिवन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स। ओके, इसमें वैल्यू आप करके कैलकुलेट करेंगे, ये 180 प्लस 60 प्लस 75 होगा। ओके, अब आप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको 2 into 315 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 6 तो बचे 10 2 1 2 1 3 6 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फिर वही 5% एक्स्ट्रा जो है एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड वस्तु कितना 5% ऑफ 630। ओके, 500% तो ये 5 upon 100 630, तो इसको जो है कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी जो है 31.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, कितना आएगा 31.5 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया के साथ इसको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया विद एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड इक्वल्स टू व्हाट इज ए, इसमें 630 प्लस 31.5 तो ये ऐड होकर के आपका वैल्यू कितना जाएगा 0.5 1 और 336 और ये 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फिर कास्टिंग कर लेंगे। ठीक है, इसका कास्टिंग और वो कास्टिंग का रेट क्या गिवन है 4 रुपीज, तो ये कॉस्ट फॉर वन स्मॉलर बॉक्स
1000 स्क्वायर का लग रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 661.5। तो इस तरह से आप जो है ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2.646 रुपीज आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2.264 रुपीज, बड़ा डेसिमल में जा रहा है वैल्यू, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 2.646 ये 2.646 इसके अप्रॉक्स है, इसको बढ़िया से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कितनी बॉक्स चाहिए था, 250 बॉक्स स्मॉलर बॉक्सेस, तो ये इसको 250 × 2.646 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो जो है आपका इसको 661.5 होगा, 661.50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 661.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एक इस टाइप का बॉक्सेस हो गया और इस काइंड ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है। ठीक है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू सप्लाई 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो ये स्मॉलर टाइप का था और बिगर टाइप का कॉस्ट हमने बताया रखा था। अगर टोटल ही रिक्वायर्ड है तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ईच टाइप पूछ रहा है तो दोनों को हम देंगे। ठीक है, और नाउ क्वेश्चन 8 फॉर ओवर, क्वेश्चन 8 एवरी स्टूडेंट टू सॉल्व सेल एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन यू आंसर टू मी। ओके, थैंक यू।